पुलिस ने बरामद किए 2 क्विंटल 11.5 किलो गांजा और कार। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नशीली वस्तुओं के विरुद्ध अभियान चलाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 2 क्विंटल 11.5 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही इस कार्य में लगे व्यक्ति से बोलेनो कार व मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस मामले में SDPO पुपरी अतनु दत्ता ने बताया कि बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा चौक पर बोलेनो कार से 38 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। साथ ही कार चालक मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पहाड़पुर मुरौल गांव के धर्मेंद्र कुमार के चाय की दुकान से 4.5 किलो गांजा बरामद किया गया। वहां से दुकानदार धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। फिर बाजपट्टी थाना क्षेत्र के पटदौरा पानी टंकी के नज़दीक से अवधेश रॉय के भूसे के घर से 169.1 किलो गांजा बरामद किया गया। इससे पूर्व भी मुरौल गांव से लगभग 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया था। इस सभी छापेमारी में बाजपट्टी थाना प्रभारी सरोज कुमार, अपर थाना अध्यक्ष बाजपट्टी प्रमोद प्रसाद, SI रवि रंजन, SI उपेंद्र प्रसाद सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। SDPO पुपरी अतनु दत्ता ने बताया कि इस उपलब्धि में मौजूद रहे पुलिस पदाधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। क्या मामला सर? कल दिनांक 11/9/24 को बड़हरवा चौक बाजपट्टी थाना में वाहन चेकिंग के दौरान एक बेलेनो गाड़ी जिस पर एक चालक सवार थे, उस गाड़ी से 38.38 kg गांजा बरामद हुआ था। फिर गुप्त सूचना मिली कि मुरौल में धर्मेंद्र कुमार के चाय नाश्ता के दुकान पर लोग गांजा रखे हुए हैं। वहां छापेमारी की गई तो दुकान में एक झोला में 4.5 kg गांजा मिला। फिर रात को एक सूचना मिली, पटदौड़ा में एक घर है राम टहल अदेश राय, उनके घर पर शराब रखी हुई है। लेकिन जब छापामारी की गई तो उनके भूसा घर है उसमें कुल 169.100 kg गांजा बरामद हुआ है। एक सभी में 2 व्यक्ति गिरफ्तार अभी तक किए गए हैं, एक मनोज कुमार जो बलेनो गाड़ी के चालक है, एक चाय दुकानदार धर्मेंद्र कुमार तथा पटदौड़ा में जो बरामदगी हुई है उसमें अवधेश राय वो भाग गए हैं रात्रि होने के कारण। और उपरोक्त सारी घटनाओं में अन्य कई लोग इस खरीद बिक्री में शामिल हैं, इनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है और इस संबंध में गहन अनुसंधान भी की जा रही है। और क्या क्या बरामद हुआ इसके साथ? इसके साथ एक बलेनो गाड़ी है और 2 मोबाइल। कितने का माल होगा ये टोटल बाज़ार में आका जाए तो? बाज़ार मूल्य तो अभी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि बाज़ार मूल्य गांजा का अलग अलग जगह पर अलग अलग है। टोटल 211.6 kg गांजा बरामद हुई। इतनी बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, क्या पहले से इस तरह का काम चल रहा था? पुलिस को भनक इस संबंध में पूर्व में भी सूचना संकलन की जा रही थी। कुछ दिन पूर्व में भी मुरौल में एक घर से 1 क्विंटल 27 kg गांजा बरामद की गई थी पिछले सप्ताह। उसमें कोई गिरफ्तारी? उसमें नहीं, उसमें भी घर वाले पीछे के रास्ता से भाग गए थे, उनकी गिरफ्तारी है तो प्रयास की जा रही है। जो लोग ऐसा कारोबार करते हैं उनसे क्या मैसेज है पुलिस का? पुलिस का स्पष्ट संदेश है, कोई भी गलत कारोबार करते हैं उनके विरुद्ध पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। नशीली पदार्थ पूरे समाज के लिए हानिकारक है, उससे पूरी जनरेशन खराब होती है और उपरोक्त कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस वैधानिक ढंग से जितनी भी कार्रवाई हो सकती है उन सारी कार्रवाई को की जाएगी ताकि भविष्य में लोग इस तरह के कारोबार नहीं करें। सर, भारी मात्रा में 1 क्विंटल 70 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है, उस मामले में कितने लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है? उसमें तो जो घर वाले हैं और वो किससे खरीद बिक्री कर रहे हैं
इसके संबंध में भी आसूचना संकलित की जा रही है। सभी के विरुद्ध गहन छानबीन की जा रही है, क्योंकि वह अनुसंधान का मैटर है। अनुसंधान उपरांत जो भी इस कारोबार में सम्मिलित होंगे सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8100222905।